और हम अब सब यहाँ पे रेडी हैं, और जी आज ऑफिस से आ गए हैं तो, और हम यहाँ पे हम सब रेडी हैं। ये दीदी है, दीदी हेलो, ये सब ये दीदी है, ये हम लोग रेडी हैं, बस हम लोग निकल लेंगे अब। कहाँ हम लोग, कौन से मॉल जा रहे हैं? तो हाँ चलिए बैठिए आप लोग, बस हम लोग निकल रहे हैं मॉल, वहाँ घूमने जा रहे हैं। कौन सा मॉल था दीदी? आर्या मॉल। आर्या मॉल, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, गेम जोन है। हाँ तो वही है, उसका मॉल का नाम है। चलिए यहाँ पे ये है, अद्दू बैठी है, यहाँ पे अनिका बैठी है, आप भी बैठेंगी? मैं बैठूंगी, पहले आप बैठेंगे तब तक मैं बैठूंगी। बस हम सब अब निकल रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ चलिए। हाय कर दो। बस यहाँ पे सब हाय बोलेंगे हाय। अभी बैठने जा रहे हैं स्पॉट पे, ग्लास थ्रो करने जा रही हूँ। ओ शिट, अनिका अनिका बना के करना, अनिका बना के करना, छोड़ना मत ओके, मजा आएगा। आप टाइट पकड़ना बच्चों, ओके चला दो। लकड़ी की काठी लकड़ी की काठी, अक्षरा नहीं डरती, अक्षरा बैठती है। आरू, डर लगे तो बता देना। नहीं डर नहीं लगेगा। पापा हटाओ, कहा मारा आपने बेटा?
अरे हाँ, हम ऊपर आ गए हैं मॉल में। और ऊपर एक्चुअली गेम जोन है, तो सब बच्चों को गेम जोन में जाना था, वहाँ पे क्या गेम खेलना था। तो बस हम सब ऊपर आ गए हैं, और ये मैं ऊपर से भी आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ अभी हम लोग कुछ देर पहले थे, तो वो मैं वहाँ का व्यू दिखा रही थी। और ये देखिए, ये जो है गेम जोन बना था, ये देखिए नीचे का व्यू मैं दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। जहाँ भी सब बच्चे थे नीचे एंजॉय कर रहे थे, ये वो जगह है, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। और ये देखें, ये है गेम जोन, और यहाँ पे सब आ गए हैं बच्चे। बच्चों को इतना एक्साइटमेंट था कि हमें ये गेम खेलना है। और ये मतलब सब बच्चों की अलग अलग फरमाइशें थी, किसी को वो देखना था, कार चलाना था, किसी को जो है ये बॉल वाला खेलना था, मतलब सबकी अलग अलग फरमाइशें चल रही थी। तो बस यही है। और ये देखिए बच्चे कितने सारे खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे अद्दू को कार रेसिंग का वो गेम खेलना था, तो वो यहाँ पे गेम खेल रही थी। तो यहाँ पे अक्षरा ने भी जिद किया कि नहीं, मुझे भी आना है, मुझे भी खेलना है। तो अद्विका ने उसको अपने पास बैठा लिया है। अब वो कार कलर चूज़ कर रही है, उसमें भी अक्षरा को नहीं, मुझे ये कलर चाहिए। तो बस अब ये जो है कार रेसिंग वाला गेम स्टार्ट हो गया है। दोनों बहुत इंजॉय किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अद्दू इसमें कार रेसिंग में सेकंड आई, इतनी खुश थी कि आज मैं फर्स्ट टाइम सेकंड आई हूँ, क्योंकि बेचारी वो हर बार थर्ड या फोर्थ आती थी। बट वो खेलते खेलते अब इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि जो है सेकंड आ गए, तो बहुत खुश थी। बोली, माती मैं सेकंड आई। मैंने कहा वेरी गुड।
और ये इसको इस तरीके के अलग अलग तरीके की गेम खेलना बहुत पसंद है। इसको देखना भी, वो VR जो होता है वर्चुअल रियलिटी, वो भी उसको देखना बहुत पसंद है, वो भी वो बहुत देखती है। उसे मतलब बहुत मज़ा आता है, चाहे वो हॉन्टेड हो चाहे वो मतलब किसी भी तरीके, मतलब उसको मज़ा आता है ये सब सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें वो ज़रूर ट्राई करती है और उसको सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए ये यहाँ पे अनिका है, अनिका भी बहन का फर्ज निभाते हुए अपनी अक्षरा को गोद में लेके जाते हुए, क्योंकि अक्षरा चलते चलते थक गई हैं तो इसलिए वो अक्षरा को गोद में लेके जा रहे हैं। अद्दू जैसी बड़ी बहन सबको मिले, ये देखो अक्षरा। और यहाँ हम ऊपर वापस आ गए हैं, इसके 3rd फ्लोर पे था ये, और वहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है। बच्चे हैं, मॉल आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिना खाया जाए। बस सबकी अलग अलग फरमाइश थी, किसी को मोमोज़ खाना था, किसी को नूडल्स खाना था, किसी को डोनट्स खाना था, सब ने अपनी अपनी अलग अलग फरमाइश कर रखी थी। तो यहाँ देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस हम बस अब बड़े भी हम लोगों ने भी वही सब खाया, एंजॉय किया जो बच्चों की फरमाइश थी। किसी को हनी चिली पोटैटो पसंद था, मतलब सबके जो जो पसंद था, जिसका जो जो मन था, सब ने वही खाया। और यहाँ ये देखिए वो मतलब इसके पहले भी जो डोनट्स आए थे तो वो सब ने खाया, सबको बहुत पसंद आया। फिर वापस फिर से डोनट सब ने अपने अपने लिए फिर से मंगाया। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू कितना अच्छा था, मतलब फूड कोर्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन था, और मतलब ज़रा सा भी अगर किसी से भी गिर रहा था तो उसको तुरंत आके लोग क्लीन कर दे रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अद्दू को शॉपिंग करनी थी तो ये 99 स्टोर है करके, तो वहाँ पे बस हम लोग लौट रहे हैं घर के लिए। सबके हालत सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, सब एकदम थक चुके हैं ना। दीदी थकी हो ना, थक गई होगी ना, थक गई है। अद्दू तुम थकी हो? अद्दू की तो पैंट बजी और अद्दू ने शॉपिंग भी की है, तो वो घर चल के अभी हम आपको दिखाएंगे कि अद्दू ने शॉपिंग क्या की है। बस अभी हम सब बैठने जा रहे हैं, फिर घर पहुँचते हैं तो फिर मिलते हैं हम। और ये देखिए ये वो बालकनी है जो मैंने आप लोगों को हाँ पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि दीदी की बालकनी है और ये दिन में कैसी लगती है, लग रही थी तो मैंने दिखाया था वो बालकनी। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो मैं रात में आप सबको इसका वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो बस मैंने वही वीडियो बनाया है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये अच्छे से जो है ये लाइटिंग जो चल रही है तो उसका अच्छे से एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए लाइट के बाद कितना अच्छा लगने लगता है बालकनी, और भी अच्छी लगती है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है, और मुझे वैसे भी ना लाइट्स बहुत पसंद है। तो दीदी ने जो ये लगवाई है अपनी बालकनी में लाइट, ये बहुत अच्छी लग रही है। और आपको पता है कि दिवाली तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो ये है कि बहुत टाइम के बाद भी दीदी के यहाँ लाइट लगी हुई थी। तो बस अब वो कुछ दिन बाद वो लाइट्स भी हटवा देगी, बट मैंने बोला दीदी को कि जो तुमने प्लांट्स में लगवाया हुआ वो मत हटाना, वो अच्छे लगते हैं देखने में। तो उसने कहा हाँ ये मैं भी सोच रही हूँ कि मैं प्लांट्स वाले नहीं हटाऊँगी। तो बस ये देखिए, और ये देखिए हम आ गए हैं वापस गुड़गांव, और यहाँ पे शिवाय और उसके जो है फूफू कुछ कराटे के बारे में बात कर रहे हैं। देखा अब मैंने यूं मारा तो तुम यूं पीछे हो गए, ये होता है पॉस्चर। यूं मारा ये इधर होना, इधर पीछे बैक हो, जैसे मैंने इधर से मारा ये, जैसे ये है यूं मारा मैंने, तो ये हो गया। अब देखो ये देख लो, ये पहले ये आना चाहिए, जब ये आ जाता है तो उसके बाद आप किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हो, जैसे ये फिर शाम को हम यहाँ पे बच्चों को लेके मैकडी आ गए थे। बच्चे जिद करने लगे थे कि उन्हें मैकडी जाना है, और वहाँ पे उन्हें
बर्गर खाना है और फ्रेंच फ्राइज खाना है। तो बस हम सब बच्चों को लेके वहाँ गए थे, और हम लोग जब बाहर निकले रास्ते में तो एक शिकंजी है, जैन शिकंजी कह के, तो हम वहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए शिकंजी बनवाई। तो बस यही वीडियो था आपसे शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।